वेलकम ऑल ऑफ यू इन एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। दिस इज एसएसटी एजुपीडिया। आई एम सुधाकर पाटिल, लेक्चरर फ्रॉम एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर यू हैव लर्न अबाउट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, इन विच यू लर्न दैट योर सिलेबस इज डिवाइडेड इन टू फोर सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन फॉर प्रोज, सेकेंड फॉर पोएट्री, थर्ड फॉर राइटिंग स्किल्स एंड फोर्थ फॉर लिटरेरी जॉनर दैट इज ड्रामा। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर सेकंड दैट इज फॉर पोएट्री। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ए पोयम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द चेरी ट्री। इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट इज फ्रॉम द नेचर पोयम। बिफोर लर्निंग दिस पोयम, लेट अस सी अबाउट द पोएट रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश इन 1934। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेलाज एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन। हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ, रिटन वेन ही वॉज 17, रिसीव्ड द जॉन लिविलियन रेन मेमोरियल प्राइज इन 1957। उनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी, जब उनका जो एज था 17 ईयर्स एज, इस नॉवेल के लिए उनको 1957 में एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम था जॉन लिलिवियन राइम मेमोरियल प्राइज। ही हैज ऑल्सो पब्लिश टू वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ एंड द लैम्प इज लिट, ए कलेक्शन ऑफ एसेज एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल्स। इन 1992 he received the Sahitya Academy Award for English Writer in English, India. He was awarded the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lives with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. Is tarah se hum dekhe ki Ruskin Bond is one of the, we can call it an Indian poet. He is living in now Mussoorie in Uttarakhand. So let us see about the poem. The Cherry Tree. The poem Cherry Tree is about the poet's ecstasy. Ecstasy means a Parmananda over a tree which he planted, which took 8 years to grow. तो यहाँ पर जो poet है, उन्होंने जो cherry tree का जो seed लगाया था, उस पेड़ के लिए 8 साल लगे बढ़ने के लिए. He is expressing his wonder at the ways of nature and how the cherry blossoms are फ्रैग्राइल एंड क्विक टू फॉल। यहाँ पर पोएट ने जो बीज लगाया था चेरी ट्री का, वो किस तरह से बड़ा, किस तरह से उस पर जो फूल वहाँ पर भरे और किस तरह से हवाएं की वजह से वो फूल नीचे गिरते थे, इसका वर्णन पोएट ने यहाँ पर किया है। द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू द डैपल ग्रीन ट्रीज। जब उस जो राइटर होता है, जो पोएट होता है, उस ट्री की वजह से जब उस ट्री को देखता है तो उसे बहुत ही आनंद होता है। दिस इज, वी कैन से दिस इज एक्सट्रेसी ऑफ पोएट्स। लेट अस सी अबाउट द पोयम। फर्स्ट स्टांजा, 8 years हैव पास सिंस आई प्लेस माई चेरी सीड इन द ग्रास, मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन आई सेड। 8 साल बीत चुके हैं, 8 साल पहले पोएट ने एक बीज जमीन के अंदर बोया था, वो बीज था चेरी ट्री का। राइटर को लगता था कि उसका खुद का एक पेड़ होना चाहिए, तो 8 साल पहले राइटर ने जमीन के अंदर एक चेरी ट्री का एक बीज बोया था। एंड वॉटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगॉट, बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच ऑन नोइंग। राइटर ने जब वो बीज लगाया, उसे एक बार उसे जल उसे दे दिया और उस पेड़ के बारे, उस बीज के बारे में भूल गया। बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन जो जो बीज लगाया था चेरी ट्री का, वो बढ़ रहा था। दो नो वंस केयरिंग वेरी मच ऑन नोइंग, जो पेड़ बढ़ रहा था उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था और उसके बारे में कोई उसे उसे कोई देखता भी नहीं था।
एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे। और एक दिन क्या हुआ, समर के सीजन में एंड में आई फाउंड ए ट्री हैड अ कम टू स्टे। राइटर ने जो बीज लगाया था वो ट्री राइटर ने देखा। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 मंथ चाइल्ड। वो जो चेरी ट्री का जो ट्री का जो स्मॉल पौधा था, जैसे राइटर यहाँ पे लोग, दिस इज अ 5 मंथ चाइल्ड लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। उस छोटे पौधे के बाजू में एक जो घास होती है, वाइल्ड घास, उसके चारों बाजू में वहां पे थी। उस घास के अंदर वो चेरी ट्री बढ़ रहा था। गॉड्स एट द लीव्स द ग्रास कटर सीड स्पिल्ड स्प्लिट इट अपार्ट एंड मानसून ब्लाइट। सीड मीन्स दिस इज अ टूल विथ लॉन्ग कर्व ब्लेड एट अ राइट एंगल टू अ लॉन्ग हैंडल यूज टू कट लॉन्ग ग्रास एंड ग्रैन। जैसे कि हम कोई उसे कह सकते हैं, जैसे घास काटने के लिए जो एक औजार होता है जो हम खेत में उसे हम यूज करते हैं। ब्लाइट मीन्स कॉजिंग डैमेज। गॉड्स एट द लीव्स, जो पेड़ बड़ा, जो पौधा बड़ा था, ओके, उस पौधे का जो कुछ पत्तियां थी वो गोट खा चुकी थी, बकरियां खा चुकी थी। द ग्रास कटर सीड स्प्लिट इट अपार्ट। जब कोई आदमी जहां पर जो कोई घास उसे काट रहा होगा, तो घास काटते समय उसी कुछ जो लीव्स थे वो कट गए थे। एंड अ मानसून ब्लाइट, मानसून की बारिश की वजह से वो जो ट्री था, चेरी ट्री का, वो डैमेज हो चुका था, उसका नुकसान हो चुका था। श्रीवल्ड स्लेंडर स्टेम इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच थ्री न्यू शूट्स ग्रो। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। श्रीवल मीन्स ड्राइड, थ्रस्ट मीन्स पुश विथ फोर्स, एंड फियर्स मीन्स एग्रेसिव। इसका मीनिंग यहां पर मीनिंग है एग्रेसिव। श्रीवल द स्लेंडर स्टेम, जो चेरी ट्री था वो पूरा सूख चुका था। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच थ्री न्यू शूट्स ग्रो। लेकिन स्प्रिंग सीजन में उस जो चेरी ट्री का पौधा था उस पर राइटर जो पोएट है उन्होंने 3 शूट्स जो अंकुर थे राइटर ने पोएट ने वहां पर देखे। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड्स थ्रस्ट, जो चेरी ट्री का पौधा था वो संघर्ष कर रहा था बढ़ने के लिए। इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। जैसे कोई जो अपने जो ब्रांचेस है उसके बढ़ रहे थे, जिस तरह से कोई अपना जो दो हाथ है वो फैला रहा था बढ़ने के लिए। फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, जो चेरी ट्री का जो पौधा था उसके जो ब्रांचेस बढ़ रहे थे, तो राइटर यहाँ पे जैसे जैसे कोई जो जैसे कोई एक आदमी अपने दो हाथ फैला रहा है। फॉर टेकिंग द एयर एंड सन आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच वॉन्डरिंग वाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन। तो राइटर ने बोला कि यहां पर एक चमत्कार हुआ कि जो पौधा जो सूख चुका था उस पर राइटर ने स्प्रिंग सीजन में वहां पर 3 अंकुर राइटर ने देखा। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ द नेचर, दिस इज द वी कैन से थिंग मेंशन बाय पोएट। आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर स्पेंट सीजन इन काश्मीर। लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर राइटर जो पोएट है वो काश्मीर को चले गए और वहां पर उसने कुछ कुछ समय वहां पर उन्हें बिताया। केम बैक थिनर रैदर पुअर बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर। लेकिन कुछ मंथ के बाद जब राइटर फिर से उनके घर पर रिटर्न आए, तो राइटर पतले हो चुके, थिनर हो चुके थे। तो ये मेंशन अबाउट थिनर एंड पुअर। तो राइटर ने उसे घर के सामने देखा कि वहां पर जो चेरी ट्री था वो बढ़ चुका था, जो राइटर ने 8 साल पहले उसका जो बीज उसका लगाया था। 6 फीट हाई माई ओन डार्क चेरी एंड आई कुड स्केली बिलीव इट ए बेरी। जो चेरी ट्री का जो बीज लगाया था, ओके, तो वो अभी बढ़ चुका था। राइपन एंड ज्वेल इन द सन हंग फ्रॉम ए ब्रांच जस्ट वन। तो उस चेरी ट्री पर जो 6 फीट का हो चुका था, उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ था, चेरी का एक फल वहां पे लगा हुआ था और जो पक चुका था। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वेयर ब्लॉजम्स स्मॉल पिंक फ्रैगल क्विक टू फॉल एट द मेरेस्ट ब्रेथ द स्लिपेस्ट ब्रिज। ब्लॉजम्स मीन्स फ्लावर डेट ब्लूम ऑन ट्री।
और उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर उस पेड़ पर पिंक कलर के एक फ्लावर्स, एक ब्लॉजम उस पर आए। जो ब्लॉजम, जो फूल लगे हुए थे, वो हल्की हवा से वो पेड़ से ऊपर नीचे गिरते थे। दिस इज अ ब्लॉजम इज गिवन देयर। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एट द फ्लू एंड फिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन वाइल्ड बीज इन द एक्सटेसी ड्रैंक ऑफ नेक्टर फ्रॉम इच ब्लूम एंड द सन सैंक। हियर मीनिंग इज यून फॉर डैपल हैविंग डार्क और लाइट पैचेस। एक्सटेसी के लिए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, एक्सटेसी मीन्स परमानंद, नेक्टर मीन्स स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स, जिसे हम हनी उसे हम कहते हैं। लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू, तो राइटर उस जो 6 फीट का जो पेड़ बड़ा हुआ था, उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है और ऊपर आकाश की तरफ देखता है। ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू एंड फिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन, तो नीचे पेड़ के नीचे से ऊपर देख रहा है, ग्रीन वहां पे जो लीव जो उसकी उसमें से देख रहा है। वाइल बीज इन एक्सटेसी ड्रैंक, तो उस पेड़ पर कुछ जो जो बीज है, जो हनी बीज है, उस पेड़ के फूलों से कुछ नेक्टरों निकाल रहे हैं। ऑफ नेक्टर फ्रॉम इच ब्लूम एंड द सन सैंक, और उसी समय सूर्यास्त हो रहा है। द सन सैंक स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई। समय है, सूर्यास्त हो रहा है और सूर्यास्त होने के बाद देर इज अ स्टर्न्स स्काई में, आकाश में वहां पर स्टार्स अभी आने चालू, मीन्स स्टार्स आर नाउ ग्लोइंग नाउ एंड मून मॉथ्स आर सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आई एंड एस आई प्रेज नाइट्स एंड स्टार्स एंड ट्री दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। जैसे ही सूर्यास्त होता है, आकाश में स्टार्स चमकना चालू होता है और उसी समय उस पेड़ पर जो मून मॉथ होते हैं, दिस इज वी कैन से स्मॉल इंसेक्ट्स एंड जो क्रिकेट जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, वो रात के समय में गाना गाना चालू वो स्टार्ट करते हैं ऑन चेरी ट्री। एंड आई एस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। जिससे से वो राइटर उस पेड़ के नीचे खड़ा है, ऊपर रात के समय में स्टार्स देख रहा है और उसी समय उस पेड़ पर जो स्मॉल इंसेक्ट से वो गाना खा रहा है। जिस तरह से वो जो इंसेक्ट से, जो स्टार से उस चेरी ट्री के बारे में एक प्रशंसा करे, वो गाना गा रहे हैं और उसी समय जो पोएट भी उसके लिए गाना गा रहा है, जो चेरी ट्री का जो बीज था राइटर ने वो लगाया था, दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी लर्न अबाउट द पोयम, हाउ द पोएट फर्स्ट ऑफ ऑल इन द वी कैन से राइटर किस तरह से एक जमीन के अंदर बीज लगाता है, किस तरह से वो बढ़ता है, आफ्टर ए स्ट्रगल हाउ डेट ट्री ग्रोन अप देयर एंड हाउ एट द लास्ट हाउ द राइटर गेट्स द जॉय फ्रॉम दैट ट्री, दिस थिंग इज मेंशन इन दिस पोयम। दिस इज अ नेचर पोयम। इन दिस पोयम पोएट एक्सप्लेन द मिरेकल डन बाय द नेचर। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी लर्न द पोयम द चेरी ट्री। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।